भाई रेडी हो गए हैं और नमाज के लिए जा रहे हैं, तो देख लो बिल्कुल बाल बाल बना के मासूम बच्चे लग रहे हैं, बिल्कुल मासूम ऐसे जैसे अभी अभी पैदा हुए। तो चलो भाई साहब बंदे इंतजार कर रहे हैं, कसाई आ रहे हैं, अब नमाज पढ़ने के लिए जाना है। ईद मुबारक, ईद मुबारक। तरफ जा रहा है मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, आपको कसाई का सामान वगैरह पड़ा हुआ है, बिल्कुल अभी आसम जा रहे हैं। भाई साहब नमाज नमाज पढ़ के आ गए हैं, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अभी गले मिलेंगे आगे, अगर यासिन भाई भी दिए जरा चलते हैं फिर आगे, थोड़ा सारी रौनक चली गई है। यहाँ बैठे हम लोग बैठे हुए होते थे, अपने हाथ से चारा खिलाते थे, और अब जैसा कि कुछ भी नहीं है, सारी रौनक चली गई है। फिलहाल हमने बछड़े बांध दिए इधर, भाई भाई कटे उससे फिर हम जाएंगे नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं, फिर नाश्ते में मिलते हैं आपको। उन्हें भाई करा रहे हैं हमें आज नाश्ता, मैं गरीब हूँ अभी। वहीं आपको नाश्ता करेंगे तो वहीं मिलेंगे। अरे यहाँ पर लोगों को इतनी जल्दी होती है कि बहुत जल्दी काट देते हैं अंदर, सबसे नमाज के पड़ी और काट दी भाई। पहली गाय कट भी गई, पहली गाय कट गई, लो भाई गिर गई। और इस्तेमाई कुर्बानी स्टार्ट हुई है, वो लाइन से बड़ा दुख होता है यार, जिनको अपने हाथ से खिलाया और उन्हीं को काटना है, बहुत दुख होता है। ये बाकी बड़ा मजा आएगा, बहुत कुछ खाएंगे अब। रहा नहीं जाता तो गाइस सीन कुछ ऐसा है, हम लोग पहले जा रहे थे हलवा पूरी खाने मुल्ला अहमद, तो अब वो देखा तो बंद है, अब हम लोग जा रहे हैं पापोश में खाएंगे हम हलीम चावल। हाय हाय, जैसा ये प्रोग्राम हमारा चेंज हो गया, मेरे को बिल्कुल भी पैसे नहीं है तो हमारा नाश्ते जा रहे हैं यासिन भाई, तो सारा कैश जाता है हमारे यासिन भाई को, बंदा शुक्रिया अदा कर रहे हैं आप, ये हमारे सेठ आदमी है। तो कैसे दिया आपको है? सारा माल बिक गया था, लगती थी बकरा मंडी और यहाँ पर सारा माल बिक गया है। ये पापोश पे हलीम पुलाव खाने, सुबह सुबह वो भी हलीम पुलाव खाने के लिए, और ये भाई साहब ने दिया ऑर्डर। अभी खाने के बाद आपको पूरे दिन हम वो दिखाएंगे, गाय कटते हुए गाय गिरते हुए। भाई साहब हमारी आ गई हेड डिश और हम इसको टेस्ट करेंगे, खाएंगे और देख बताएंगे कैसा है। तो मेरा थोड़ा लेट हो गए, गाय कट गई है हमारी, ये बंदा दिल निकाल रहा है इसको, देगा ये दिल मन में आगे हो जाओगे मैं आगे तुम आगे किसको उधर हो भाई जिनेद भाई हैं, ये हमें गाया दिलाता है हर जगह से, इन्होंने ये नौकरी दिलाई थी। जुबेर भाई ये चेक करने में मास्टर है, जिनेद भाई को, जिनेद भाई ने बछड़ा दिलाया, मसला हो गया था मंडी में, बेहतरीन मैं हार गया था, थकार के मैंने सोच लिया था कि छोटा लेना, मगर जनेद ने कहा नहीं इंशाल्लाह अच्छा लेना, जनेद से अल्लाह ने करम किया। हाँ बस नियत का है, नसीब का सौदा होता है। ये परेशान बैठा, ये बंदा परेशान है, इसकी अभी तक जैसे पिछले ब्लॉग में देखा था आपने, शादी का हुआ था, अभी ये बोल रहे थे अभी मेरी शादी होगी, क्या यार रमीज भाई साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्या क्या कहना चाहता जरा मेरे फॉलोअर्स को, कुछ भी नहीं कह सकते बिल्कुल भी। गोज बनाते हैं, मिलेंगे थोड़ा सा रहिए, अंदर चल के गोज बनाएंगे फिर आपको। हमारा रम की गाय कट गई है, रम भाई कैसा लग रहा है आपको, दुख हो रहा है? दुख तो हो रहा होगा ना यार, प्यारी इतनी गाय, कैसे हाथ चारा खिलाते थे हैं आज से सारा गोज बजा दी, कहाँ है आपकी गाय, प्यार करो उसको। ओए रमीज भाई सब नाश्ता वास्ते का इंतजाम है, सब नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ते के बाद गोश बनाएंगे ताकि हवा लग के सूख के गोश अच्छा बने। बना रहा नाश्ता मैंने कर लिया, बना रहे हैं गोश और वही देखते हैं कैसा बनता है, कितनी देर में बनता है। फिर लेकर आएंगे, फिर बांटेंगे, फिर लेकर आएंगे, फिर गाय को सारा खाना।
आज जैसा कि मायरी का हमारी गाय तो कटी नहीं है, वो खा जाने की आज जो कटी है तो उसके लिए चारा वगैरह उसको भी तो खिलाना, बेचारी भूखी होगी। तो हमारे पास भूसी और भूसा तो है, लेकिन उसके लिए कुट्टी लेकर आनी है, तो कुट्टी लेकर आई कुट्टी उट्टी ले आ रखी वगैरह ये है। अब बनाएंगे थोड़ा चारा। चारा लेने के लिए वो भाई गाय बड़े मरी में इनको धान आ गया भी खा लेंगे। भाई गाय को चारा वारा सब खिला दिया और टम्बाई छोड़ के आओगे तो उसको खाना होगा तो खा लेगा। अभी यह है बज रहे हैं 12, अभी भी काफ़ी टाइम है, तो उसके बाद पानी वगैरह भी प्लान है, पानी वगैरह प्लान आएंगे पूरे दिन आज गाय को संभालना। और आप सबको मेरी तरफ से ये दोबारा तो यहीं करते हैं ब्लॉग को एंड, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपना थोड़ा सा प्यार दो।